हेलो स्टूडेंट, ठीक है, फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो गॉस लॉ है। गॉस लॉ व्हाट इज टॉपिक। ये एक साइंटिस्ट हैं गॉस, उन्होंने अपना एक लॉ दिया है और हम उस गॉस लॉ की बात कर रहे हैं। तो गॉस लॉ क्या है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस गाउसियन सरफेस कह सकते हैं। क्लोज सरफेस या गाउसियन सरफेस इक्वल टू दी रेशो ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड इक्वल टू द रेशो ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट मीन एप्सिलॉन। यहाँ पर ये एक बार से इसका स्टेटमेंट है या ये लॉ है। आइए, यहाँ पे ये लॉ है तो देयरफॉर अकॉर्डिंग दिस मैथमेटिकल भाषा में लिख रहे हैं दैट मीन्स क्या, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे लिखेंगे, फाई डी से। क्या है इज इक्वल टू क्या है रेशो के लिए अपॉन लगना पड़ेगा। इसके लिए है नेट चार्ज यानी शिव मान जो भी इनसाइड जितने भी होंगे अनसाइड एनक्लोज चार्ज यानी जो भी अंदर के चार्ज होंगे दैट मीन एनक्लोज और साथ में एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर का। यहाँ पे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू ओवर एप्सिलॉन। व्हाट इज दिस फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट नथिंग। ये आपका यहाँ पे वैलिड स्टेटमेंट। ओके, इसको आगे देखते हैं। यहाँ तक ये रहा, ये यहाँ पर स्टेटमेंट है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई क्या होता है वो आपको बताया था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए फॉर स्मॉल एलिमेंट। अगर स्मॉल एलिमेंट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हमारे पास मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ छोटा सा यानी कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का जो वेक्टर एरिया होगा उसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन ये हो। यहाँ पर अगर वैसे कायदे से देखे जाए यहाँ पर ये लूम है तो यहाँ भी उसी तरीके से ये आउटवर्ड यानी बी ए होगा और यहाँ पर ये उसी तरीके से ई। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पे जितने भी ले लूँ उन सब के लिए यानी ये क्या होगा इक्वल क्या होगा यहाँ पे ई डी। ई कहाँ पर है, डी ए कहाँ पर है, ई कहाँ पर है बाहर, डी ए का डायरेक्शन कहाँ है आउट, दोनों का डायरेक्शन सिमिलर। इस अगर हम यहाँ पर बात करें
तो फाइ ई इज इक्वल टू या ई डी ए कॉस, यानी थीटा क्या हो रहा है यहाँ पे जीरो और जीरो, डेट मीन्स फाइ इज इक्वल टू यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी जो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, क्यू इज द चार्ज, यहाँ पर इनसे सबका डिस्टेंस जो है वो क्या है, यानी कि इक्वल है, तो डेट मीन्स यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई का वो सभी जगह सेम होगा, डेट मीन्स यानी कि यहाँ पर ई क्या होगा कॉन्स्टेंट, तो ई कॉन्स्टेंट होने पर यहाँ पर डी ए कॉस जीरो का वैल्यू वन होती है, डेट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं ई। आइएगा यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डेट मीन्स इक्वेशन नंबर वन कर लेते हैं, तो फाइ ई इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे ई इक्वेशन वन। इधर देखिए यहाँ पर यानी कि फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम सॉरी यहाँ पर ये हो गया। अब आइए यहाँ पर, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से ये क्या है पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक यानी फाई ई डेट मीन यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एफ सॉरी नॉट, और चार्ज क्या है यहाँ पे क्यू क्यू अपॉन यानी कि आर, इसका जो ये एरिया है वो यहाँ पर क्या बनेगा फोर पाई आर, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एफ। तो एक प्रकार से इसका हम मैथमेटिकल फंडा ले गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंडा ले गए, हम इस गॉस लॉ को यानी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका जो साइंटिस्ट के द्वारा है वो वास्तव में यानी कि इसका रियलिटी में प्रूफ नहीं है। एक बार से एक्सपेरिमेंटल या उनका एक्सपेरिमेंटल के आधार पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये तो एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्होंने, उस आधार पर लॉ जो है सीधा एक स्टेटमेंट है, तो इसका यानी कायदे से यानी लीगली वो प्रूफ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आधार पर आप यहाँ पे। एक और बात देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ बातें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, ये किसी भी शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, शेप एंड साइज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आर करूँ, इसको मैं इंक्रीज कर दूँ, मान लो 2R कर दूँ, इसको मैं 3R कर दूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ R की जगह पे क्या आ जाएगा 2R आ जाएगा, तो यहाँ 2R हो जाएगा, 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको साइज को और बढ़ा दूँ तो यहाँ 3R हो जाएगा या 3R हो जाएगा, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसका 4R कर दूँ, डेट मीन्स मैं इसका साइज यानी कि छोटे से बड़ा, बड़ा से बड़ा ऐसे करता चला जाऊँ, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी शेप और साइज से इसका कोई फर्क नहीं आता, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पे ये ध्यान। तो ये हमारे यहाँ पे गॉस लॉ है जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल पीके स्टडीज क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।